हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई एम हामिद इज हियर टू टीच यू समथिंग वेरी डिफरेंट. वी हैव स्टडीड मैथमेटिक्स फ्रॉम क्लास नर्सरी ऑनवर्ड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड अप टू 10th, 12th. मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट, द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स दैट इज ज्योमेट्री. ज्योमेट्री के बारे में तो आपने सुना ही होगा, छोटे बच्चे ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में जानते हैं, लेकिन ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, दिस इज ज्योमेट्री. जब हम शेप्स की बात कर रहे होते हैं, जब हम मेजरमेंट की बात कर रहे होते हैं, जब हम लाइंस की बात कर रहे होते हैं, जब हम पॉइंट की बात कर रहे होते हैं, जब हम रेक्टेंगल की बात कर रहे होते हैं, जब हम सर्कल्स की बात कर रहे होते हैं, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ होता है ज्योमेट्री. आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. यदि आप थर्ड से ऊपर किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं या कोई पेरेंट हैं जो अपने बच्चे को कुछ समझाना चाहते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है. ज्योमेट्री एक ऐसा पार्ट है जो वास्तव में यदि समझ में आ जाए तो इसमें कट आउट ऑफ कट 100 out of 100 मार्क्स आपके आते हैं. मींस जितने मार्क्स की ज्योमेट्री एग्जाम्स में आती है उतने मार्क्स आपको मिलते हैं. बात है उसे समझने की, गौर से समझने की, शुरू से समझने की, पॉइंट टू पॉइंट समझने की. तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक बने रहे. इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ज्योमेट्री से अननोन है. आप किसी भी क्लास की ज्योमेट्री लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे बेसिक चीजें इसकी आती है, क्योंकि ऊपर सीढ़ी के टॉप स्टेप पर चढ़ने के लिए पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी चढ़ना बहुत जरूरी होता है. तो ज्योमेट्री इज द स्टार्टिंग पॉइंट. तो अगेन, जैसा कि हमेशा होता आया है, जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. रेड बटन पे नीचे सब्सक्राइब लिखा है, जिसको प्रेस कर दीजिए. बेल आइकन के साथ में एक बेल आइकन घंटी घंटा बना हुआ है, जिससे कि जब भी हमारे वीडियोस, हमारे चैनल के वीडियोस आते हैं, तुरंत आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए और आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए. सो एज यू नो, वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से. सो फर्स्ट इज द पॉइंट. व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज द लोकेशन. पॉइंट को हम कह सकते हैं कि एक जगह है, एक स्पॉट है. ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, और ये छोटा और छोटा होता जाएगा. तो जितना छोटा से छोटा माइक्रो, दैट इज द पॉइंट. इसका कोई साइज नहीं होता, इसकी कोई शेप नहीं होती. ये ऐसा एक सर्कल होता है, ये भी कह सकते हैं, जिसकी कोई रेडियस नहीं होती. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. इसलिए पॉइंट की डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही होगी, पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन. पॉइंट क्या है? एक लोकेशन है. हम जैसे इसमें प्लेन पे कह सकते हैं कि दिस इज ए पॉइंट ए, तो ये प्लेन में एक लोकेशन दिखाया है कि ए है, और इट हैज नो साइज, जिसका कि कोई साइज नहीं होता है. इज इट क्लियर टू ऑल अबाउट पॉइंट? चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट, देन लाइन एंड द रे. व्हाट आर द डिफरेंस अमोंग देम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? देखो, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे, छोटे 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 पॉइंट्स पॉइंट्स मिल, इट इज वेरी फिक्स्ड लेंथ. ये एकदम फिक्स लेंथ होती है. लाइक वी कैन से इट इज 5 सेंटीमीटर. ये 5 सेंटीमीटर है, चाहे ये ऐसे हो चाहे ये ऐसे हो. इट हैज टू एंड पॉइंट्स. इट हैज टू एंड पॉइंट्स, ए एंड बी. तो इसका मतलब क्या हुआ? लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ. इसको ना तो बढ़ाया जा सकता है, Neither it can be increase, ना ही इसे घटाया जा सकता है, nor it can be decrease. It has two end points, जिसके दो end points होते हैं. जैसे ये board है, इन boards के ये दो end points हैं, तो it is a line segment. ये एक line segment है. Second आता है line. देखिए, line जब बनती है, the difference between line segment and line, line जब होती है तो line के दोनों side में arrow का निशान होता है. आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे छोटी क्लास में आए चाहे बड़ी क्लास में आए, ये छोटे से क्वेश्चंस आते हैं. और लाइन को कभी भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं. लाइन को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज इनफाइनाइट. ये अनंत है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसको कोई मेजर नहीं कर सकता है. एरो लगाने का मतलब ये है कि इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी घटा सकते हैं. दिस इज अ लाइन, इट इज अ लाइन. एंड थर्ड इज द रे. रे का क्या होता है? रे एक साइड से स्टॉप होती है, यानी पॉइंट होता है, और दूसरी साइड से उसको जितना भी बढ़ाया जा सकता है. इट इज पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी इज हियर. इसका मतलब ए पे तो ये स्टॉप है और बी पे इसको बढ़ाया जा सकता है. एग्जाम्पल इसकी हो सकते हैं, जैसे यू कैन सी सनलाइट. सन है हमारा, हमें रोशनी देता है. हमारे अर्थ पर बहुत सारी इसकी रेज आती है, तो ये क्या कह सकते हैं हम? अर्थ, ये दिस इज द पॉइंट. सन जो एक पॉइंट है जो फिक्स है, उसके आगे रेज नहीं जाती.
जी एक साइड में हमारी अर्थ पर रेज आ रही है तो दिस इज कॉल्ड रे। दूसरा यदि कैंडल जल रही हो, सपोज करो कैंडल जल रही हो, तो कैंडल की रोशनी किधर जाएगी? अधिकतर ऊपर जाएगी। टॉर्च, टॉर्च हम जलाते हैं, आपने देखा होगा टॉर्च, टॉर्च को हम करेंगे आप दिखाएंगे कहीं भी, तो दूसरी साइड में अब रोशनी आएगी, पीछे की साइड में तो नहीं आएगी। तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रे। तो तीनों चीजें हमने पढ़ ली, दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं, अच्छी तरह से समझिए। लाइन सेगमेंट की दो डेफिनेट एंड पॉइंट्स होते हैं, इसको ना तो घटाया जा सकता है, नाइदर इट कैन बी इंक्रीज और नॉर इट कैन बी डिक्रीज, ना बढ़ाया जा सकता है। फिक्स लेंथ होती है, दैट इज ए लाइन सेगमेंट। लाइन होती है जिसको इनफिनाइटली जितना मर्जी चाहे बढ़ा सकते हैं, इसका फिक्स पॉइंट नहीं होता है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, हर तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है। एंड थर्ड इज रे, जिसको एक साइड से बढ़ाया जा सकता है, वन साइड ओनली, वन साइड ये फिक्स होती है, वन साइड इसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कैंडल, सनलाइट्स एंड टॉर्च, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ। अब हम तीनों की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जिससे आप इसको पेन पेंसिल जरूर लेके बैठिए, नोट डाउन करते जाइए साथ में, जिससे आपको दिक्कत नहीं है। दीज आर द डेफिनेशंस, नोट डाउन इट। लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन का पार्ट होती है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ए बी, इट इज 6 सेंटीमीटर। यू हैव टू ड्रॉ द एग्जाम्पल ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, इट कैन बी मेजर्ड आइदर 6, 5, 4 एज एज यू विश। देन कम टू लाइन, ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स, एक पॉइंट्स का, पॉइंट्स के जुड़ने से बना हुआ स्ट्रेट पाथ, दैट हैज नो बिगिनिंग और एंड, जिसकी कोई भी शुरुआत नहीं है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। रे, ए रे इज ए पोर्शन ऑफ लाइन। रे क्या है? लाइन का एक पोर्शन है। मींस कैसे है? क्योंकि लाइन को दोनों साइड में एक्सटेंड किया जा सकता है इनफिनाइटली, दोनों साइड में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रे को सिर्फ एक साइड से बढ़ाया जा सकता है, और एक साइड से ये स्टॉपेज होती है। मतलब इसका यू कैन से आइदर इट इज ए बिगिनिंग और इट इज ए एंड, या तो उसकी शुरुआत है या उसका एंड है, एक साइड उसका निश्चित है। ए रे इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स फॉर एवर इन वन डायरेक्शन, जो एक डायरेक्शन में उसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है, एक डायरेक्शन में उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं। मैं एग्जांपल फिर बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, टॉर्च इज द एग्जांपल। टॉर्च को आप पकड़ कर खड़े हो जाओगे तो रोशनी सामने की साइड में जाएगी, ना कि पीछे की साइड में। तो टॉर्च इज द बिगिनिंग पॉइंट एंड द लाइट विच इज गोइंग थ्रू दैट इज द एंड पॉइंट, दैट हैज नो एंड पॉइंट्स, उसका एंड पॉइंट्स नहीं होता, आपको पता है, टॉर्च का, सनरेज का, कैंडल का। सो चलिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमने रे के बारे में पढ़ा, वेन टू रेज मीट एट ए पॉइंट, दिस इज द मीटिंग पॉइंट, वेन टू रेज मीट एट ए पॉइंट, द फिगर दैट इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड एन एंगल, दिस इज एन एंगल, दिस इज वन रे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी गोज टू पॉइंट सी, दिस इज अनदर वन रे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट वी पॉइंट बी एंड गोज थ्रू पॉइंट ए, दीज आर द टू रेज, देयर स्टार्टिंग पॉइंट बी इज द सेम एंड टू डिफरेंट वेज दे आर गोइंग। सो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ ए ऑफ एन एंगल, कि जहां पर दो रेज एक पॉइंट पर आकर मिलती है उसे हम एंगल कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कोण भी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज एन एंगल इज द फिगर, एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, दो रेज से मिलके जो फिगर बना हुआ होता है कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल। जो दो रेज होती है उसको क्या बोलते हैं? दो, बोथ रेज आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल एंड इट हैज वन कॉमन पॉइंट, दिस इज द कॉमन पॉइंट, जिसका एक कॉमन पॉइंट होता है, द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स, उस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं जहां पर दोनों रेज आकर मिलती है। क्लियर टू ऑल? चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट मींस आपस में क्रॉस करना, एक्स की शेप बनाना, इट्स नॉट कंफर्म कि एक्स की शेप हो, बट आपस में क्रॉस करना। क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन? देखिए, व्हेन द टू लाइंस मीट एट ए सेम पॉइंट, जब दो लाइंस एक ही पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दोज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्ट लाइन। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है यहां पर, दिस
these are two lines. This is line 1, it is line 2, it is a point of intersection. O is the point of intersection. Dekhi definition, go through the definition and write it down also for further studies. Intersecting lines are two lines. ये lines लिखा हुआ है यहां पर, इसकी जगह line segment भी हो सकता है, rays भी हो सकता है, that share exactly one point. जो एक point को share करते हैं, this shared point is called point of intersection. और उस common point को, उस shared point को point of intersection कहते हैं. Clear to all? मजा आ रहा है ना mathematics पढ़ने में? आपको interest आएगा, create करिए. और नहीं भी करेंगे तो मैं करवा दूंगा. इंटरेस्ट बहुत जरूरी है बना रहने के लिए, पढ़ने के लिए. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैरेलल लाइंस. व्हाट आर द पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट. मींस कि हम किसी भी दो लाइंस को कितना भी बढ़ा लें और कितना भी घटा लें, कितना भी इंक्रीज कर लें, कितना भी डिक्रीज कर लें, दे विल नॉट मीट each other at any point. वो किसी भी point पर आकर कहीं भी नहीं मिलेगी. जैसे railway track होता है, railway tracks की two lines, they never meet at each other. ये board है, जैसे board की दोनों sides opposites, दीवार की दोनों opposite sides, they never meet. तो these are the examples. So just have a look. These are the parallel lines shown there. Either it can be horizontal or it can be vertical also. Here, इस तरीके से the direct जो बीच की इनकी साइज है, they are remain very same at every point. हर पॉइंट पर वो सेम होती है. That's why they are called parallel lines. Parallel lines, these lines are lines in a plane. Plane पर ऐसी lines which do not meet, जो आपस में कभी नहीं मिलती है और intersect at any point, और कभी भी आपस में intersect नहीं करती है, are said to be parallel, जिनको parallel कहा जाता है. They are having equal distance between them. उनके बीच की दूरी हमेशा equal रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी, at every point, हर point पर. Examples are given here. जैसे मैंने पहले बता दिया, railway track and the opposite sides of a board. These are also parallel and these are also parallel. आप अंदाजा लगा सकते हैं parallel lines कौन सी होती है जो आपस में कभी भी नहीं मिलती है. तो आज के लिए इतना ही काफी है. ये आप करिए, नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में, याद करिए इन सबको अच्छी तरीके से, और इंटरेस्ट लेके स्टडी करिए. स्टडी एक ऐसी चीज है जो बहुत ही इंटरेस्ट लेके करनी चाहिए. जैसे कभी आपने सुना है, आपकी मम्मी ने आपको कहा है कि बेटा खेलने चले जाओ, वो तो आप अपने आप चले जाते हो. आपको टीवी देखना है, वो आप अपने आप देख लेते हो. व्हाट्सएप देखना है, अपने आप देख लेते हो. फेसबुक देखनी है, वो भी अपने आप देख लेते हो. कभी पढ़ाई भी अपने आप किया करिए. तो दीज आर द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. इस तरीके से पढ़ाई करोगे मेरे साथ में तो डेफिनेटली यू विल गेट इंटरेस्ट. आपको इंटरेस्ट आता जाएगा और पढ़ने की एक लत लग जाएगी, जो कि बहुत जरूरी है. तो ये थे बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, जो कि थर्ड क्लास से स्टार्ट होके आगे फर्दर इन हर क्लास में अवेलेबल रहते हैं. तो मेक इट वेरी क्लियर, उसको एकदम क्लियर करिए अच्छी तरीके से, मेंटेन करिए. और अगेन लास्ट में एक बार फिर वही अपील, जो सब्सक्राइबर नए थे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा है उसको प्रेस कर दीजिए घंटी के साथ में. ठीक है, मिलते हैं फिर कल. नमस्कार.